हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं पॉपी प्ले टाइम के चैप्टर 3 के ऊपर, यानी कि डीप स्लीप की, जिस गेम की कंप्लीट स्टोरी और एंडिंग के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। और आगे भी कुछ रहा तो भविष्य में चर्चा कर लेंगे। और हाँ, इससे पहले वो सभी तमाम वीडियोस नहीं देख रखी हैं पॉपी प्ले टाइम के यूनिवर्स से संबंधित, तो जाकर जरूर देख लेना। लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो सब जानना भी आपके लिए ज़रूरी है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आपको पसंद है इस तरह का कंटेंट तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं। इससे पहले हमने देखा हमारा प्रोटैगनिस्ट ट्रेन हादसे में बच निकलता है, जिसे यहाँ से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई देता है, वो है प्ले केयर। और अब आगे गेम की शुरुआत में ही हमें स्माइलिंग किटर्स का इंट्रो देखने को मिलता है, जिस पर हम पहले से ही बात कर चुके हैं किसी दूसरी वीडियो में। नहीं देखा आप में से जिन लोगों ने तो लिंक दे दिया गया है, जाकर जरूर देखें। जिस शो पर एक न्यूज चैनल द्वारा खबर दी जा रही है कि कैसे शो में दिखाया गया कैटनैप बच्चों के लिए घातक साबित हुआ, जो हिंसक हो गए और बुरे सपने आने लग गए सिर्फ उसकी वजह से। ये सब देख बच्चों के माता पिता ने कंप्लेंट करना शुरू कर दिया, जिसके बाद प्ले टाइम कंपनी ने स्माइलिंग किटर्स की टीम में से कैटनैप को हमेशा के लिए हटा दिया। वेल, जहां तक मुझे लगता है कैटनैप को बनाने में रेड गैस का इस्तेमाल कुछ ज्यादा ही कर दिया, और जिन बच्चों के पास ये रखा होता, यानी कि सर के पास, तो वो उस गैस की वजह से उन्हें सुला देता, जिसका प्रचार प्रसार भी इसी तरह से किया गया था शो के अंदर। और ये वास्तविकता में ये बंदा, खैर ये बंदा नहीं, ये जानवर अच्छा नहीं है, जो अब हमें आगे देखने को मिलने वाला है। बेहोशी की हालत में ही कैटनैप द्वारा हमें पकड़ लिया जाता है, जो हमें एक होल के ढक्कन को खोलकर नीचे फेंक देता है, और हम ट्रस कंपार्टमेंट में आ जाते हैं, जहाँ से निकलकर हम देखते हैं इस एरिया के आसपास रेड गैस फैली हुई है, जो कि कैटनैप फैलाता है, जिससे कि ये साफ हो जाता है ये इलाका उसका है। जो ये बात ऑली कंफर्म भी करता है, ये वो मददगार बच्चा है जो पूरी गेम में हमारी मदद करता है कॉल के जरिए। ट्रेन स्टेशन को पावर अप करने के बाद हम एलियट एक्सप्रेस की सवारी करते हैं, जिसमें हमें एलियट का भाषण सुनने को मिलता है स्माइल को लेकर, जो कि इसकी आड़ में दुनिया के सामने अपना अनाथालय पेश करता है, जो जमीन के काफी नीचे बसा हुआ है, जहां पर उसने बच्चों का पूरी तरह से ध्यान रखने के लिए एक पूरा इकोसिस्टम बना रखा है, जिसका कहना है हमने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है बच्चों की परवरिश के लिए। ये एलियट का कहना है, वेल मेरा नहीं, लेकिन सच्चाई आप सभी जानते हैं। ये अनाथालय की आड़ में वो सभी गलत काम करते हैं जो किसी को दिखाना नहीं चाहते हैं। पूरी दुनिया से छुपा हुआ है इनका ये दरिंदों वाला काम, जो यहाँ के अनाथ बच्चों का इस्तेमाल बिगर बॉडीज एक्सपेरिमेंट के लिए करते हैं, और किसी को कानों कान खबर भी नहीं होती है। यहाँ पे वो रेड गैस का इस्तेमाल करते हैं और उन बच्चों को एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार करते हैं, उन्हें इस तरह के वैशी दरिंदे बनाने के लिए। सही है। जिसके बाद हम प्ले केयर में दाखिल हो जाते हैं, जो कि 5 भागों में बटा हुआ है, प्ले हाउस, काउंसलर ऑफिस, टॉय स्टोर, स्कूल और आखिर में होम स्वीट होम, जिन सबको हम एक एक कर एक्सप्लोर करेंगे, और साथ साथ इस गेम की डिफिकल्टी भी बढ़ती चली जाएगी। ओली एक बार फिर हमसे बात करता है, जो बीच में बने इस कमरे में जाने को कहता है, जिसके ऊपर मूर्तियां लगी हुई हैं, ताकि इस एरिया की बत्ती चालू कर सकें। ऐसा कर लेने के बाद केबल कार के नज़दीक एक दरवाजे से हम अंदर चले जाते हैं, जहां से हम गैस प्रोडक्शन एरिया में आ जाते हैं, जो इस इवल प्ले केयर का दिल है, जिस मशीन को हमें स्टार्ट करना है, पावर अप करना है, जिसके लिए हम इस एरिया को एक्सप्लोर करते हैं, और हमें एक न्यू हैंड भी मिलता है इस जर्नी को आगे जारी रखने के लिए, जिसकी मदद से हम कुछ जगहों पर ऊंचा कूद पाते हैं और कुछ चीज़ों को अपने पास ला सकते हैं। मशीन को चालू करने के बाद कोई अचानक से पावर कट कर देता है, जिसके बाद ओली बताता है तुम्हें प्ले केयर से होते हुए होम स्वीट होम जाना होगा,
बैकअप जनरेटर्स को एक्टिव करने के लिए, जहां जाने पर प्रोटैगनिस्ट रेड गैस के संपर्क में गलती से आ जाता है, जिसके बाद वो हलुसिनेट हो जाता है, जिससे कि ऑर्फनेज उसे कुछ अलग सा ही दिखाई देता है, जो प्रोटैगनिस्ट के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है, जो जैसे तैसे कर बस यहाँ से बाहर निकलना चाहता है, जहाँ पर हमें रेडियो के जरिए से एलियट की मानता बताई जाती है। ऐसे में प्रोटैगनिस्ट किसी तरह से एक कमरे तक आ पहुँचता है, जहाँ पर हम एक टेप को प्ले करते हैं जिसका नाम है वेलकम बैक। जैसा कि इन्हें पता है प्रोटैगनिस्ट कौन है, यहाँ का एक्स एम्प्लॉय जो कि इनके गलत कामों में भी शामिल था, जो अब वापस आ गया है, और ये सभी उससे खुश नहीं है। जिसके बाद हगी वगी का भूतिया वर्जन टीवी से बाहर निकलता है, बिल्कुल हूबहू रिंग मूवी की चुड़ैल की तरह। जिसके बाद हगी वगी का ये नाइटमेयर वर्जन हमें पकड़ने की कोशिश करता है, जिससे बचकर हम यहाँ से गलियारे की तरफ भागते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, वो हमें आखिरकार खाई जाता है। और ऐसे में प्रोटैगनिस्ट थोड़ी देर बाद होश में आ जाता है, जिसे थोड़ी दूरी पर एक गैस मास्क मिलता है जो कि इस रेड गैस से प्रोटेक्ट करेगा। आगे का रास्ता बनाने के लिए प्ले टाइम कार का इस्तेमाल कर और बिजली की बैटरी ढूंढनी पड़ती है, जिस बीच में हमें कैट नैप भी दिखाई देता है, और एक जगह पर किसी मिसी भी दिखती है जिसके हाथ में एक बच्चे की फोटो है, जो शायद वो खुद ही है एक्सपेरिमेंट से पहले की, जिसे बाद में बिगर बॉडी एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल किया गया होगा, और अब उसका ये हाल है, और ये शायद से उसी का कमरा है। खैर, प्रोटैगनिस्ट को बैकअप जनरेटर्स मिल जाता है, जिसे वो एक्टिवेट कर देता है और यहाँ से बाहर आ जाता है, पर यहाँ से निकलते वक्त ही किसी मिसी हमें धप्पा कर देती है, पर बीच बचाव के लिए यहाँ पर पॉपी आ जाती है और कहती है हमने तुम्हें ओली की मदद से ढूंढ निकाला, और बताती है हमें तुम्हारी ज़रूरत है उन सभी को रोकने के लिए जो सब एक्सपेरिमेंट 1006 से प्रभावित थे, यानी कि प्रोटोटाइप। और पॉपी उसे मोटिवेट करती है प्रोटोटाइप को ख़त्म करने के लिए, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए वो कहती है तुमने ही मॉमी और हगी वगी को मार गिराया, ये काम तुमसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता, जिस काम में हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन प्रोटोटाइप से पहले हमें कैट नैप को रास्ते से हटाना होगा। इसके बाद हम अगले बैकअप जनरेटर को एक्टिवेट करने के लिए स्कूल में आ जाते हैं, जहाँ पर ओली बताता है यहाँ पर तुम अकेले नहीं हो, लेकिन ऐसे में सिग्नल ब्रेक हो जाता है, जिसके बाद मिस डिलाइट से हमारी बात होती है, जो हमें जानती है और उसे पता है हम अभी भी जिंदा हैं, जो कि एक बड़ी गुड़िया है, और वो अंधेरे की आड़ में हमारा पीछा करती है और रोशनी पड़ने पर रुक जाती है, जो पकड़ ले तो वो हमें मार देगी। वेल, मिस डिलाइट एक टीचर है जिसके जैसी सात और हैं, जो एक दूसरे को बहने कहती हैं, लेकिन आर ऑफ जॉय के बाद किसी बंदे ने इन सभी को स्कूल के अंदर बंद कर दिया, जिसके बाद उन्होंने एक बर्ब नाम का वेपन बनाया और खाने की कमी के कारण से उसे अपने से दूर कर दिया, जिससे कि मिस डिलाइट पागल हो गई और अपने वेपन को एक्चुअल पर्सन मानने लगी, और बाद में पता चला कि वो हिलना बंद कर देती है, जिससे कि बाकी सभी को लगता है कि वो मर गई, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, और जब जैसे ही वो उसके कोई पास आता तो वो उसे मार देती, और इसी तरह उसकी बाकी बहनों को भी उसी ने मार दिया। और बाद में पता चलता है उसे बंद करने वाला और कोई नहीं कैट नैबी है, जो नहीं चाहता था ऑर्फनेज के बच्चों को नुकसान पहुंचे, जिसके बाद प्रोटैगनिस्ट जनरेटर को चालू कर देता है, पर ऐसे में यहाँ मिस डिलाइट आ जाती है और हमारे पीछे पड़ जाती है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट उसे शटर के नीचे कुचल देता है, जहाँ से आगे जाते वक्त प्रोटैगनिस्ट को फ्लेयर गन मिलती है, जिसकी मदद से अंधेरी जगहों पर रोशनी करना और दुश्मनों को दूर भगाने का काम करती है। केव से गुजरते वक्त हम एक जगह पर कैट नैप को देखते हैं, जिसने प्रोटोटाइप की मूर्ति बना रखी है, जो उसकी पूजा करता है एक भगवान की तरह, जिसके लिए सब कुछ प्रोटोटाइप ही है। देख सकते हैं आप किस तरह की अजीबोगरीब मूर्ति बना रखी है कैट नैप ने। जिस जगह से बाहर निकलने के लिए हम प्ले हाउस से होते हुए जाते हैं, जहाँ पर हमें स्माइली किटर्स का छोटा वर्जन देखने को मिलता है, यानी कि नॉर्मल साइज का, जो कि बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है और हम पे हमला कर देते हैं, जिनसे बचने के लिए फ्लेयर गन का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि वो दोबारा से उसी गड्ढे में जा सकें जहाँ से वो बार बार निकल कर आ जाते हैं। आगे हमें डॉग डे का बिगर बॉडी वर्जन दिखाई देता है,
वो भी कैद में आधे शरीर के साथ, जो कि हमें कैटनैप और प्रोटोटाइप के रिश्ते के बारे में बताता है जो हम पहले से ही जानते हैं, जो कहता है जिन्हें खत्म करने पर ही ये पागलपन को रोका जा सकता है, जिसमें तुम्हारी मदद पॉपी ही करेगी। जिसके बाद आखिरी बचा स्माइली किटर्स यानी कि डॉग डे के अंदर स्मॉल वर्जन के स्माइली किटर्स घुस जाते हैं, जो फिर हम पर हमला करने की कोशिश करता है, जिससे बचकर हम यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। ऐसे में फिर ऑली हमसे कम्युनिकेट करता है, जो हमें बताता है आखिरी बैकअप जनरेटर हमें काउंसलर ऑफिस में मिलेगा, जहाँ पर कैटनैप पहले से ही हमें मारने के लिए घात लगाकर बैठा होगा, इसलिए संभल कर रहना। जिसके बाद वो काउंसलर ऑफिस में आ जाता है, जहाँ उसे एक इमरजेंसी अलर्ट टेप मिलती है जिसमें वर्क फोर्स डेंजर अलर्ट लिखा है, जहाँ प्ले टाइम कंपनी के अधिकारी ने बताया है कि कंपनी में कोई भी जानलेवा प्राणी मौजूद है जो आतंक मचा रहा है, इसलिए अभी से इमरजेंसी अवैक्यूएशन प्रोटोकॉल लागू होता है और कोई भी जानलेवा चीज के संपर्क में ना आए, और अगर कोई रास्ता ना मिले तो हिडन शेल्टर में जाओ, और साथ में ब्लैंकेट और पिलो का इस्तेमाल बॉडी को बचाने के लिए करना, और शांत रहना और खिड़की और दरवाजों से दूर रहना। तभी ट्रांसमिशन कट हो जाता है और स्क्रीन पर दरवाजा खोलो आर ऑफ जॉय आ रहा है, और ये टेप 1995 की है, यानी ये घटना 1995 में हुई थी। और दूसरी टेप स्टेला ग्रेबर के ऑफिस से मिलती है, जिसका नाम हर्टमैन इंसिडेंट टेप है, जिसमें बताया गया है ज्यादातर बच्चों के माता पिता या फिर उनसे जुड़े लोगों को लगता है कि प्ले केयर में बच्चे बिल्कुल सेफ हैं, चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये प्ले केयर है। लेकिन सच आपको पता है और मुझे भी पता है, प्रोटैगनिस्ट आखिरी पावर रूम का पता लगा लेता है, जिसे वो पावर अप भी कर देता है, जिसके बाद यहाँ से निकलने के लिए प्रोटैगनिस्ट को रेड गैस से भरे एरिया से होकर गुजरना पड़ता है, और ऐसे में हमारा सामना कैटनैप से हो जाता है, जो हम पर हमला कर गैस मास्क फाड़ देता है और हमें कैद कर यहाँ से भाग जाता है, जिससे कि प्रोटैगनिस्ट को एक बार फिर से हलुसिनेट का सामना करना पड़ता है, जिसमें वो अपने आप को प्लेटाइम कंपनी से बाहर पाता है, जिसे पॉपी की आवाज़ सुनाई देती है कि फ्लावर को ढूंढो, और फिर वो अपने आप को डिफरेंट लोकेशन पर पाता है, और आखिरी में प्रोटोटाइप का हाथ, जिसके बाद हमें होश आ जाता है और कैटनैप हमसे कहता है प्ले केयर छोड़ दो या फिर मैं आ रहा हूँ तुम्हारे लिए। पर आप जानते हो हमारा मिशन तो क्लियर है, ये सब बवाल ख़त्म करना है कैसे भी करके, जिसके लिए हम फिर से स्टैचू के नीचे वाले कमरे में आ पहुँचते हैं और आखिरी पावर इनपुट को कनेक्ट कर देते हैं, जिसके बाद ओली हमें एक फुल्ली चार्ज बैटरी भेजता है, जो लेकर हम रेड गैस एरिया प्रोडक्शन में आ जाते हैं ताकि मशीन को स्टार्ट कर सकें और रेड गैस को डाइवर्ट कर सकें। लेकिन बैटरी को स्लॉट में डालते वक्त ही यहाँ पर हमें रोकने के लिए कैटनैप आ जाता है और पूरे इलाके में रेड गैस भर देता है, और ऐसे में कैटनैप से बचने के लिए हम यहाँ से पास ही की लिफ्ट की मदद से ऊपर चले जाते हैं और उससे बचने में कामयाब होते हैं। पावर रूम में यहाँ आने पर हमें एक टेप मिलती है, जिसमें एक साइंटिस्ट प्रोटोटाइप से बात करता है, जो कि और कोई नहीं हार्ली सोयरी है, और बिगर बॉडीज भी इसी का नतीजा है। खैर, प्रोटैगनिस्ट जैसे तैसे कर कुछ समय के लिए कैटनैप से अपने आप को बचा पाता है, और मशीन में पूरी तरह से बिजली आ जाने के बाद प्रोटैगनिस्ट अपने ग्रैब पैक हैंड से बिजली को होल्ड करता है, जिसका इस्तेमाल कैटनैप पर करता है वो, जो बिजली से जल जाता है और फड़फड़ाने लगता है और मरने वाला ही होता है। पर तभी ऊपर से उसका भगवान आ जाता है, यानी कि प्रोटोटाइप, जिसके सामने वो अपने आप को समर्पित कर देता है, और प्रोटोटाइप अपना पंजा उसके मुंह में घुसा कैटनैप को अपने साथ ऊपर ले जाता है। जिसके बाद प्रोटैगनिस्ट बैटरी को स्लॉट में डाल मशीन को शुरू कर देता है और रेड गैस को डाइवर्ट कर देता है, और साथ ही के कमरे में हमें पॉपी और किसी मिसी मिलते हैं, जो हमें दिखाती है यहाँ कई साल पहले क्या हुआ था, जिस घटना का नाम आर ऑफ जॉय है, जो 8 अगस्त 1995 को हुई थी, जिसमें ज़्यादातर सभी बिगर बॉडीज प्रोटोटाइप से प्रभावित थे और उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया उन सभी लोगों पर और मासूमों पर जो यहाँ पर रहते थे, काम करते थे, और हर जगह बस खून ही खून बहा इन बिगर बॉडीज के हाथों। इसके बाद पॉपी कहती है प्रोटोटाइप को मरना ही होगा, जिसे ख़त्म करने के लिए पॉपी और प्रोटैगनिस्ट
लिफ्ट में आ जाते हैं और किसी मिसी यहीं रहती है, पर नीचे जाते वक्त हमें किसी की आवाज़ सुनाई देती है जिस पर किसी ने हमला कर दिया है, जिस तक हम पहुंच नहीं पाते हैं क्योंकि लिफ्ट का गेट बंद हो चुका होता है। इसके साथ ही दोस्तों ये गेम यहीं पर ख़त्म होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आपके क्या सुझाव हैं और कोई थ्योरी भी हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इससे संबंधित भविष्य में और कुछ भी आता है थ्योरी या कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल तो उसके ऊपर भी हम भविष्य में बात करेंगे। तो अगर आपको आज की ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।